एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गेमर वॉइस में। तो यस गाइस, मैं यहाँ पे ये टीयर 4 अपग्रेड सपोर्ट फाइनली मैं अपना यूज़ करने वाला हूँ। यस, मैंने अपने तक यूज़ नहीं किया। तो 40% डिस्काउंट फर्स्ट टाइम देगा, फिर उसके बाद 25% जो बाकी के 4 मतलब वो 25% डिस्काउंट देगा। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि सिर्फ गेयर अपडेट करने के टाइम और एडवांसमेंट में जो मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर 40% डिस्काउंट है फर्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट वही कैरेक्टर कर सकते हैं जो है नेटिव 1, यानी नेटिव टीयर 2 कैरेक्टर नहीं ले सकते। नेटिव टीयर 3 का तो अभी टीयर 4 आया नहीं है, और हाँ जिसका टीयर 4 आ चुका है वही सिलेक्ट करने का ऑप्शन में है, ठीक है। और यहाँ यूज़फुल कैरेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो पूरी की पूरी गाइड वीडियो बना दी, ये वाली जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। ओके, बात है यहाँ पे मैं कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपने देख लिया थंबनेल में जो है मैग्नेटो। अब देखो, मैग्नेटो को मुझे टीयर 4 करना था बहुत समय से, मैं इंतजार करता हूँ रेज देने का। तो ऑफकोर्स इस मुझे रेज मिल चुकी है, तो टेंशन की घबराने की जरूरत नहीं, हमें रेज मिल चुकी है। रेज इसके ऊपर इक्विप कर देते हैं, यहीं पर इक्विप हो चुकी है। अब हम करने वाले इसको टीयर 4 और देखते कितना मटेरियल है और कितना मटेरियल बचता है, क्योंकि 40% डिस्काउंट ले रहा है। तो देख लो, मेरे पास कार्बोनेडियम इतने हैं और सोल ऑफ द फेंटाइन इतना है, लाइफ शील्ड इतना है, और यहाँ पे रहा, यहाँ पे देख लो CCF इतने हैं, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, हम फटाफट करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैग्नेटो को, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा सिलेक्ट। ओके, ये हो चुका मैग्नेटो सिलेक्ट, और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 40% डिस्काउंट इसके ऊपर ऐसे शो होगा। ये देखो डिस्काउंट टीयर 4 अपडेट सपोर्ट यहाँ पे है। अब गेयर अपडेट करते हैं, और लेवल 80 करने के टाइम मैंने बोला ना गेयर अपडेट करने के टाइम और सिर्फ एडवांसमेंट में डिस्काउंट मिलेगा। तुम अभी स्किल भी इसको करोगे ना, स्किल भी नहीं होगी, देखना ये डिस्काउंट लिखा रहा है साफ साफ, सिर्फ गेयर अपडेट में आएगा बस। और एडवांसमेंट जो मटेरियल थे वो देख लो सबसे पहले, ठीक है, दो अच्छे हैं। और ये गेयर अपडेट करने के टाइम ये जो नीचे आते हैं ना भाई, X16 X17 ऐसे भाई, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, देख लो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर वाले मटेरियल से, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जितना कम आएगा उतना अच्छा, ठीक है। इससे तो थोड़ा कम ज़्यादा भी लगता है, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है आपका कॉस्ट। मेरे को इतना लग रहा है, ओके ज़्यादा हो रही है, थोड़ा नीचे हो जाए भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 16 9 13, ओके ओके काम चला हुआ है। और नेक्स्ट देखते क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से ओके 9 नाइस 5 ओके 13 अगेन 13 एंड 14 ओके नॉट बैड, और 17 27 27 गाइस। तो लास्ट गेयर इस गेयर अपडेट हो गया 10 ओके 15 ओके 16 33 नाइस 1 वेरी गुड, एंड दिस इज हो गया भाई मेरा पूरा का पूरा गेयर 30 लेवल। अब देखो यहाँ पे गेयर अपडेट करने का डिस्काउंट आ गया, ओके। और यहाँ पे मैं इसको स्किल अपडेट करता हूँ तो यहाँ भी डिस्काउंट नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने मटेरियल लेता भाई उतने मटेरियल लेगा, ये जितने गोल्ड लेते उतने ही गोल्ड लेगा, ठीक है। तो ये हो चुका पूरा का पूरा इसका लेवल, स्किल पूरा का पूरा हो चुका मैक्स, ठीक है। अब इसके बाद एडवांसमेंट में देखो डिस्काउंट साफ साफ लिखा आता है, कैरेक्टर एडवांसमेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे देख लो 40% कम ले रहा है, बुक ऑफ शांति भी कम ले रहा है, ब्लैक स्टाइप बुक ऑफ शांति लग रही है 6 क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लिया और 40% डिस्काउंट में है। और 600 लग रहा है भाई लाइफ शील्ड, 480 लग रहा है भाई कार्बोनेडियम, और 900 लग रहा है भाई ऑफकोर्स द फेंटाइन, और 5 मिलियन गोल्ड। तो यूज़ करते हो इसको टीयर 4 कर लेते हैं। ये है माय 10 हुआ कैरेक्टर टीयर 4, दिस इज़ 10 कैरेक्टर टोटल हो चुके टीयर 4। अब यहाँ पे देखते क्या करेगा, और आज को मैंने ब्लैक स्टोन के मैच में लेके जाने की सोचा हूँ, तो उसका गेम प्ले आ जाएगा जल्दी। तो हो चुका है अपना मैग्नेटो टीयर 4 फाइनली, बहुत लंबे समय इंतजार करने के बाद मैग्नेटो टीयर 4 हो चुका है गाइस। और यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लिया, तो ये हो गया अपना टीयर 4, ओके। यहाँ मेरा पैरा पूरा हो चुका है, दिस इज देखो। अब दूसरा बोलोगे दूसरे पे देखो 25% डिस्काउंट रहेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम 40% रहता है, बाकी तो जो तुम्हारे जो बाकी की चीज़ें ना वहाँ पे सिर्फ 25 ही मिलेगा, साफ साफ लिखा है, ठीक है। और मटेरियल कितने रहे फिर उसके बाद तुम खुद कैलकुलेशन कर लो। देखो CCF मेरे पास इतना बचा है, और पहले मेरा CCF इतना था, अब तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो, माइनस कर सकते हो यहाँ से इसको, समझ गए। फिर उसके बाद अगर आप करना चाहो तो यहाँ देख लो, यहाँ पे मेरे पास कार्बोनेटियम इतने बच गए, सोल ऑफ द फेंटाइन इतना बच गया, और लाइफ शील्ड इतनी बच गई, पहले मेरे पास इतने थे। तो ये देख लो, और इसको तुम समझ जाओ, कैलकुलेशन कर लेना खुद, और समझ गए कितना लगा भाई। कम से कम मटेरियल में तो हो ही गया मेरा मैग्नेटो टीयर 4, मेरा ये 10वां कैरेक्टर हो चुका है टीयर 4 इन गेम। तो यस यस, दिस माय 10 कैरेक्टर्स टीयर 4 भाई, मेरे 10 कैरेक्टर टीयर 4 हो चुके हैं भाई। मैंने सबसे पहले आयरनमैन को टीयर 4 किया था जब मैं एकदम स्टार्टिंग में था, और फिर उसका सेकंड टाइम थॉर को किया था, फिर थर्ड टाइम जेन गेरे को, फिर उसके बाद भाई मैं टीयर 4 करते गया। और टीयर 4 मैं अपडेट सपोर्ट के मतलब टीयर 4 रैंक अप की प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने लाइन बाई लाइन जितने भी टीयर 4 किए, जितने भी टीयर 3 अवेकनेट किए, मैंने सब वहाँ पे वीडियो डाली है, ठीक है। तो ये हो चुका है मेरे पूरे 10 कैरेक्टर टीयर 4 रिलैक्स सोंड के मैच में, और देखते हैं भाई ये क्या करती है। हालांकि अभी नहीं करने वाला, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली सिर्फ इतना बता दो, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसी टीम लगा सकता हूँ क्योंकि मैग्नेटो खुद को लीडरशिप दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ सपोर्ट वपोर्ट के लिए मुझे लेना पड़ेगा आई थिंक, थोड़ा ये स्कूल ले देते, और नहीं तो म्यूटेंट चाहिए, तो म्यूटेंट के लिए ये है, ये भी सही है। तो कुछ ऐसा करके टीम मेरे को एडजस्ट करके करना पड़ेगा।
तो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना कैसे लगे वीडियो। थैंक यू वॉच, बाय बाय।